नमस्कार दोस्तों, द की पॉइंट्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं करंट अफेयर्स के इस नए सेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, आज का पहला करंट अफेयर्स है हिंदी समाचार वाचिका विनोद कश्यप का हाल ही में निधन हो गया। हिंदी की एक प्रसिद्ध समाचार वाचिका थी जो वृद्ध हो चुकी थी, वयोवृद्ध हिंदी समाचार वाचिका थी विनोद कश्यप, उनका निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थी, 88 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। दोस्तों, अगला पॉइंट है जिनादिन जिदान को 2022 तक स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड के कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। जो आप लोग तो जानते ही होंगे, फ्रांस के एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी जिनादिन जिदान, उनको स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने अपना कोच नियुक्त किया है। और कब तक किया है? 2022 तक। दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्सिस बैंक ने राकेश माखीजा को 3 साल के लिए बैंक का गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया है। दोस्तों, एक्सिस बैंक एक गैर सरकारी बैंक है और एक्सिस बैंक ने अपना गैर कार्यकारी चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? राकेश माखीजा को, तो याद रखिएगा। दोस्तों, अगला पॉइंट है वेबसाइट होस्टिंग कंपनी गोडेडी। दोस्तों, आप लोग तो ऐड में देखते ही होंगे गोडेडी के बारे में, टीवी में दिन भर देते ही रहता है। तो वो एक वेब होस्टिंग कंपनी है जिसके द्वारा हम कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। तो आगामी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए उसको आधिकारिक प्रायोजक के रूप में ICC के साथ उसने समझौता किया है। किसने? गोडेडी एक वेब होस्टिंग कंपनी है, उसने आगामी वर्ल्ड कप, जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होने वाला है 2019 में, और उसके लिए आधिकारिक प्रायोजक के रूप में ICC के साथ एक समझौता किया है। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला, जिसको आहार नाम दिया गया है शॉर्ट में आहार। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार का 34वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो आपको क्या याद रखना है कि 34वां अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला कहाँ पर हुआ या हो रहा है? तो नई दिल्ली में हो रहा है। दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में निर्माण श्रमिकों के लिए अटल आहार योजना नामक एक योजना की शुरुआत की। महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्माण कर्मिक हैं या श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, बिल्डिंग्स में काम करते हैं या कोई भी निर्माण जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ पर काम चल रहा हो, उनके श्रमिकों के लिए एक योजना का शुभारंभ किया है। उस योजना का क्या नाम है? अटल आहार योजना। इस योजना के तहत जो काम करने वाले मजदूर होते हैं उनको खाना प्रोवाइड कराया जाएगा। दोस्तों, अगला पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। पाकिस्तान को 57 देशों के एक प्रभावशाली समूह इस्लामी सहयोग संगठन, एक 57 देशों का एक संगठन है जो इस्लामिक देशों का एक संगठन है, इस्लामी सहयोग संगठन के संसदीय संघ की आम सभा के उपाध्यक्ष, पाकिस्तान को उस 57 सदस्यीय संघ का उपाध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है या चुना गया है। दोस्तों, अगला पॉइंट है विश्व किडनी दिवस 14 मार्च, याद रखिएगा 14 मार्च को है विश्व किडनी दिवस। और 14 मार्च को, मतलब इस वर्ष मनाया गया है 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस। वैसे किडनी दिवस कब मनाया जाता है? मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति ने सैनिकों को बहुत सारे पुरस्कार दिए हैं। तो हम जो कीर्ति चक्र पुरस्कार पाने वाले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, कीर्ति चक्र तीन सैनिकों को दिया गया है, मरणोपरांत दो को दिया गया है।
और उनके नाम हम बारी बारी से बता देते हैं। कीर्ति चक्र पाने वाले जो वीर 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 सैनिक थे, बहादुर सैनिक थे, उनके नाम हैं। पहला का नाम है ब्रह्मपाल सिंह। ब्रह्मपाल सिंह किस रेजिमेंट से थे? ब्रह्मपाल सिंह थे राजपूत रेजिमेंट से। उसके बाद दूसरे नंबर में है श्री राजेंद्र कुमार नाइन। श्री राजेंद्र कुमार नाइन कौन से फील्ड से थे? तो ये CRPF के जवान थे। और अगले जो जवान थे जिनको कीर्ति चक्र दिया गया है, मेजर तुषार गोबा। मेजर तुषार गोबा को भी कीर्ति चक्र दिया गया है। वे जाट रेजिमेंट से थे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में फिर हम मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।